बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के 40 सालों से स्वयं सेवक श्री संदीप अक्षर जी, जो एक समाज सेवी भी हैं और लोकप्रिय कवि हैं। कोरोना काल में आपने इस तरीके का आयोजन किया, इसलिए आप सहभागी हैं। जी जी नहीं सर, वो तो आप हैं, क्योंकि आप इस तरह की कोरोना महामारी के समय में भी देश की सेवा में लगे हुए हैं और आज इसके माध्यम से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इस पर कुछ प्रकाश डालिए, किस तरह से काम, किस तरह के कामों को आगे बढ़ाया जाए आज इसके माध्यम से। यार सर, इस कोरोना काल में जन जन की सेवा में लगी हुई है, लोगों को भोजन की व्यवस्था, लोगों की पके हुए भोजन की व्यवस्था, आर्थिक मदद, जागरूकता, एनिमल किचन, जो जानवर बेसहारा हैं, बंदर हैं, गाय हैं, जिनको जो वेस्ट पर निर्भर रहते थे, मनुष्य जो उपयोग करता है उसके बाद जो फेंक देता है उस पर जानवरों का जीवन निर्भर रहता था, वो उन सबके लिए भी अच्छा व्यवस्था की है। पहले दिन से लेकर लॉकडाउन कर आज तक व्यवस्था जारी है। जो कामगार अपने क्षेत्रों को छोड़कर आए हैं उन कामगारों के भी हम लोग संपर्क में हैं, अगर उन्हें यहाँ जीवन यापन करना है तो किस तरीके से करेंगे इसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। और निस्वार्थ भाव से बिना किसी को दिखाए हुए हमारे स्वयंसेवक रात दिन कार्य में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। जी तो संदीप जी, आप हमें ये बताइए कि अभी जिस तरह की आप 40 सालों से आर्थिक संजय हो गए, 40 साल एक छोटा वक्त नहीं होता, तो आपका अब तक का सफर निजी जीवन पर कैसा रहा है? आरएसएस के साथ तो बचपन से शाखा जाते थे, स्वयं शाखा, प्रभात शाखा, उन शाखाओं के सारे टाइप रहे, संगठन काम देता गया, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। हमने कभी सोचा हमारे घर में बात आई और आरएसएस से प्रेरणा मिलती है, ज्ञान मिलता है, जीवन की मुसीबतों से किस तरीके से लड़ा जाए वो सब प्रेरणा आरएसएस से मिलती है। आरएसएस के गीत आदमी का मनोबल बढ़ाते हैं, ना हो साथ कोई अकेले चलो तो सफलता तुम्हारे चरण चुन लेगी, इस तरीके से गीत हैं। और आर एस एस का अपना जो परिवार है, संघ परिवार, इतने सारे संगठन हैं आज आर एस एस को पूरे विश्व में काम करते हैं, बहुत सारे संगठन हमारे क्षेत्र में भी काम करते हैं, विद्याभारती है, अधिभारती विद्यार्थी परिषद है, अधिवक्ता परिषद है, और भारतीय जनता पार्टी है, विश्वविद्यालय परिषद है, इस तरीके से बहुत सारे संगठन हमारे क्षेत्र में काम करते हैं, अधिभारतीय विद्यार्थी परिषद है, संस्कार भारतीय है, बहुत सारे संगठन हमारे क्षेत्र में संघ के काम करते हैं और सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। हम लोगों ने बड़ा जीछा मनोबल बढ़ता है। और हमें ये भी पता चला है कि आपने अपना जो ग्रेजुएशन है, स्नातक डिग्री, वो 2017 में ली है लॉ में, क्या ये बात सच है? हाँ हाँ, 2015 में मेरे मन में आया कि ये आदमी अपना विद्यार्थी जीवन दोबारा कैसे जिए, वही लड़के कोई स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर, टीचर की डांट समझाना, ये दोबारा कैसे आए? तो फिर वो किसी ने सलाह दी कि ला कर सकते हो आप इसके लिए, फिर मैंने ला दिया और 2017 में ला की डिग्री हासिल की। जी, आज के युवाओं को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मेरे पास जो मेरी अपनी निजी सोच है, मेरी निजी सोच ये है कि जो लोग रोटी की तलाश में अपना परिवार, अपना घर, अपना क्षेत्र छोड़ कर और बड़ी बड़ी दूर चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, विदेश चले गए, बम्बई चले गए, और दूर से देखने में तो लगता है कि इनका जीवन है, लेकिन जो आपने बचपन से इतना लंबा आपका संपर्क है, आपके रिश्ते नाते, आपके मोहल्ला दोस्त यार दोस्त सब को छोड़ के दूर चले गए रोटी की तलाश में, तो आत्मनिर्भर बनिए, आप नौकरीदाता बने, जैसे कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो वचन है वो ये है कि आत्मनिर्भर भारत, भारत का प्रत्येक नागरिक युवा ये सोचे कि मुझे उद्यम करना है, रोजगार करना है और किसी एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को, 50 व्यक्ति को रोजगार देना है, ना कि जो शिक्षा पद्धति ने कैसी आदत डाल दी कि आदमी प्रारंभ से ही शिक्षा इस तरीके की लेकर के चलता है कि मुझे फलानी नौकरी करनी है, फलानी नौकरी करनी। मैं इस बात से सहमत हूँ, युवा बचपन से आत्मनिर्भर बनने की ओर वही शिक्षा करें और वही प्लान करें कि छोटा सा पान की दुकान चलाने वाला भी अपने बच्चे को विरासत में ये दुकान छोड़ के जाता है, लेकिन एक नौकरी करने वाला अपने बच्चों को कुछ नहीं सौंप के जाता है। तो आप भी इसके पक्ष में है कि लोकल को लोकल में ही काम करना चाहिए और लोकल को ही लोकल की वोकल बनना चाहिए।
हम जो कुछ भी करें, भले ही हम उत्पादन के क्षेत्र में हों या सर्विस सेक्टर में हों, हम सर्विस सेक्टर में भी वो प्रेजेंटेशन करें कि हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो, पूरी दुनिया को हमारे कार्य की भूख हो, हमारे उत्पादन की भूख हो, पूरी दुनिया हमें हमारे उत्पाद को पसंद करे और उसे लेना चाहे, हम सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का उत्पादन करें किसी भी क्षेत्र में। हम अगर कहीं सर्विस भी करते हैं, किसी को सर्विस प्रदान करते हैं, तो उन सब में अच्छी से अच्छा प्रदर्शन करें ताकि हमारी डिमांड बने, और जब हमारी डिमांड बनेगी तो निश्चित रूप से हम प्रगति करेंगे और भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो जिस तरह की इस समय जैसे कि हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस चाइना से आया, तो इसमें दुनिया भर की जो कंपनियां जो चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग करती थी या चाइना से अपना काम करती थी, वो कहीं ना कहीं उनका मन भारत की तरफ बढ़ रहा है, और इससे क्या आपको लगता है कि भारत को फायदा मिलेगा और आगे भारत की दशा, आर्थिक दशा, भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा? देखो आज जिस अनुपात में पूरी दुनिया में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, आप भारत की जनसंख्या का अनुपात निकाल कर देखिए, तो प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी और सरकार की सोच के साथ साथ हमारे भारत के नागरिकों की जागरूकता के साथ साथ ईश्वर की कृपा भी देखिए आप जी, जितना जितनी घनी आबादी हमारे देश में है, अगर यहाँ भगवान ना करे प्रकोप बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जी, अमेरिका की तुलना में कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल नहीं, तो ईश्वर की कृपा है, निश्चित रूप से भारत प्रगति करेगा, चाइना से कंपनियाँ आएंगी, पूरी दुनिया भारत को उद्योग लगाने के लिए लड़ाई होगी, मुझे कैसा बिल्कुल विश्वास है। और जैसे कि हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आप एक लोकप्रिय कवि हैं, संदीप जी बहुत अच्छे कवि हैं, इनकी बहुत सारी कविताएं हैं मंच पर, उन्होंने कई बार अपनी कविताओं से अपनी जनता को मनोरंजन किया है उनका, तो क्या चल रहा है उनका? चार पंक्तियाँ आप सुनाना चाहिए जी, बिल्कुल जो शेर जमाने को, जो शेर जमाने को आगाह नहीं करते, सुन लेते हैं हम उनको और वाह नहीं करते, लहरों पे चले हैं हम, तूफान में पले हैं हम तेज हवाओं की और वाह नहीं करते, हम तेज हवाओं की परवाह नहीं करते। बहुत अच्छे। और एक आखिरी सवाल कि जिस तरह की लॉकडाउन अभी खुल गया है, लेकिन भारत में कई बार पूरी तरह से कोरोना पर विजय प्राप्त नहीं की गई है और केस अभी कम नहीं हुए हैं और कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरा एक ही निवेदन है, योग करें, निरोग रहें, गर्म पानी पिए, काढ़ा जो आयुष मंत्रालय की ओर से सुझाया गया है वो काढ़ा पिए, और मास्क लगाएं, आप सामाजिक दूरी बना के रखें, शारीरिक दूरी बना के रखें, और जो भी प्रिकॉशंस समय समय पर सरकार द्वारा जारी किए जा रहे हैं उन सब का ध्यान रखते हुए जीवन को जिए, और ये सोच लें कि अभी तो कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, कैसे आदत डाल लें, अपने आप को स्वस्थ रखें ताकि कोरोना आपसे 6 फुट दूर रहे जी। जी बहुत अच्छे। तो संदीप जी आज के समय बस इतना ही, और हम आपसे बस विदा चाहते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे अगले किसी अपने राजनीतिक महापुरुष के साथ जो कहीं ना कहीं किसी तरह से राजनीति से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।